पटना जिले में मनचलों ने एक गैंग रेप को अंजाम दे दिया है, और गैंग रेप को अंजाम ही नहीं दिया है बल्कि उसका वीडियो भी 10 दिन बाद वायरल कर दिया है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। पटना पुलिस की नींद उड़ी हुई है क्योंकि अपराधियों ने एक बार फिर से एक विधवा महिला के साथ गैंग रेप को अंजाम दे दिया है, और राजधानी पटना का ये मामला है इसलिए पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। एक महिला के साथ आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने, 8 लोगों ने गैंग रेप किया और उसके वीडियो को वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आधा दर्जन दरिंदों ने एक महिला के साथ गैंग रेप किया है और वीडियो को वायरल कर दिया है। अब वीडियो के आधार पर महिला की पहचान हो गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है और महिला से पूछताछ करके पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। 45 साल की पीड़ित महिला है और पटना में घरेलू कामगार है, काम करती है। काम करके लौट रही थी, अपने गांव जा रही थी और रास्ते में गौरीचक क्षेत्र के पास दो बाइक सवार लोगों ने, युवकों ने उसे गांव तक छोड़ देने का लालच दिया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसको अपने साथ ले गए और पुनपुन नदी के पास, पुनपुन बांध की ओर सुनसान जगह पर एक झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से गैंग रेप किया। दो युवक फंसा कर ले गए महिला को, वहाँ 6 उनके साथी भी आ गए। 8 लोगों ने महिला को जबरन शराब पिलाने की कोशिश की, उसके साथ घंटों गैंग रेप करते रहे, उसका वीडियो बनाते रहे और वीडियो को 10 दिन बाद वायरल कर दिया सोशल मीडिया में। जब वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने मामला दर्ज करके महिला की पहचान किया, और अब मामला इतना गंभीर है कि पटना के SSP भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी खुद अपने स्तर से जांच पड़ताल की है और कहा है कि आरोपियों की पहचान बहुत जल्द हो जाएगी और उनकी गिरफ्तारी भी 24 घंटे के अंदर होगी। वायरल वीडियो में आरोपियों द्वारा महिला को शराब जबरन पिलाए जाने की तस्वीर साफ दिख रही है। वीडियो में सुनाई भी दे रही है बात, और युवकों की उम्र अब 24 से 25 साल की होगी। वायरल वीडियो में और कुछ बातें सामने आई हैं और पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी शराब के नशे में थे और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो शराब कितनी बुरी बात है, शराब की लत कितनी बुरी है, आप सोच लीजिए कि इंसान हैवान बन जाता है। और खबर है कि महिला के साथ गैंग रेप हो गया लेकिन उसे बहुत धमकी दी गई और धमकी के डर से महिला किसी हालत में अपने घर पहुंची। गौरीचक के प्रभारी आर के मंडल के अनुसार वायरल वीडियो जब हुआ तब उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। आरोपियों की तलाश में फहीमपुर गांव में छापेमारी की गई। मामले की जांच के बाद जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे ऐसा विश्वास पुलिस दिला रही है, और IG रेंज संजय सिंह का भी कहना है कि विधवा से गैंग रेप का वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो सामने भी आया है और वीडियो की जांच कर सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। तो पटना जिले में एक विधवा महिला के साथ 8 लोगों के द्वारा गैंग रेप किए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चुनाव के ठीक पहले इस तरह का वीडियो गैंग रेप किए जाने का, फिर उसका वीडियो बनाकर वायरल किए जाने का मकसद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ये लंपट लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, चुनाव के पहले माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और सोची समझी साजिश के तहत ये गैंग रेप किया गया है, उसका वीडियो बनाया गया है और उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि महिलाएँ जो कामगार हैं, घरों में काम करती हैं, घर लौट रही हैं, तो सावधानी बरतें और किसी भी अनजान व्यक्ति के छलावे में ना आए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ये आपका चैनल है और सबसे पहले आपको खबर देता है।